अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ्रा फ़हीम व्लॉग्स। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बस अब शादी जो है वो बिल्कुल करीब आने वाली है। उम्मीद है कि सारे व्लॉग्स आप लोग देख रहे होंगे और शादी भी बहुत ज़्यादा करीब आने वाली है, तो बस तैयारी ज़ोरों शोर पर है। और जैसे मैंने बताया था कि 100 में से 85% तैयारी हमारी डन हो चुकी है, तो ये भी एक तैयारी का ही व्लॉग है जिसमें मैं और बच्चे जो है वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। और शॉपिंग तो आपको पता है लव होती है, मतलब एक बहुत दिल खुश हो जाता है शॉपिंग के नाम से। और ये थी वैसे भी शादी की शॉपिंग, तो बहुत ही ज़्यादा दिल टेंशन में भी थी मैं कि पता नहीं मुझे कैसा ड्रेस मिलेगा, क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों को छोड़ा दादी के घर, क्योंकि मेरा जो टाइम होता है मार्केट जाने का वो तो पता होता है लेकिन वापसी आने का टाइम नहीं पता होता, और बहुत दूर भी हमें जाना था। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि भाई बच्चों को छोड़ते हैं दादी के पास और फिर हम लोग जाते हैं मार्केट। तो पहुँच गए हम लोग, कहाँ पहुँचे हम लोग, जामा क्लाथ पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने स्टार्ट की शॉपिंग करना। मार्केट में सोच के कुछ जाते हैं और लेकर कुछ आते हैं, ये तो हमेशा से ही हम लेडीज़ का प्रॉब्लम रहा है और आगे भी शायद ऐसे ही रहेगा। मतलब माइंड में आप कुछ लेकर जाओ कि भाई हम ये लेंगे, हम वो लेंगे, ये हम ये कलर बनाएंगे, हम वो कलर बनाएंगे, लेकिन जब आपके पास डिस्प्ले पे दूसरी चीज़ आती है तो फिर आप वो सारे कलर साइड में रख के आप उसके अंदर एज्यूम करना शुरू कर देते हो कि हम इसमें कैसे लगेंगे, अगर हम ये पहनते हैं तो हमें ये कैसा लुक देगा। तो बहुत ज़्यादा जो है घूमने फिरने के बाद और सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद फाइनली पहले तो जो है हम लोगों ने लिए अपनी अम्मियों के सूट, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम नए पहन रहे हैं तो मदर्स का भी तो हक बनता है कि हम भी उनको नए ही पहनाएं। वैसे तो वो बनाएंगी, लेकिन जो हमारी तरफ से दोनों मदर्स के लिए, दोनों मदर्स मतलब हमारी सास और मेरी अम्मी, दोनों चीज़ें जो है वो दोनों मदर्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी था। वैसे तो मैंने पूरी फैमिली के लिए ही ड्रेसेस बनाए हैं, आई मीन छोटे छोटे जो मेरे भांजे हैं उनके लिए भी बनाए, लेकिन सबसे पहले मैंने शुरुआत की मदर्स के ड्रेस से। और इंशाल्लाह पापा का भी हम लेकर आ जाएंगे, पापा का, बच्चों का तो मैं ले आई हूँ, बस अब जेंट्स ड्रेसेस रह गए हैं वो लेकर आने। तो शुरुआत हो गई थी जी, और फिर शुरुआत होने के बाद थक चुके थे क्योंकि काफ़ी देर तक घूम रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मिल गई थी शकरकंदी, और जो कि बहुत अच्छी लगती है सर्दी के मौसम में, यहाँ पर बहुत मीठी और मसालेदार, वो हमने खाई वो लेकर। और उसको जब तक थोड़ी देर इंजॉय किया, फिर सोचा कि भाई अब करना क्या है, क्योंकि घूमने में ही सारा टाइम वेस्ट नहीं करना था। जब आए हैं इतनी दूर तो लेकर ही जाने का मूड बना रहे थे कि भाई लेकर ही जाना है, अब दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन आप जितनी भी कोशिश कर लो, आपको मार्केट के चक्कर जो है वो एंड तक लगाने ही पड़ते हैं। तो बस जैसे तैसे करके हम लोगों ने जो जो समझ आ रहा था मार्केट बंद होने से पहले, हम लोगों ने वो जो है ले लिया था। जैसे कि जिसमें मैंने शादी में मैंने लहंगा चोली बनाया है, तो मैंने लहंगा चोली ले लिया था। ये सारे ड्रेसेस मैं रिवील करूँगी आप लोगों को शादी से पहले वाले व्लॉग में, या हो सकता है शादी के ही व्लॉग में रिवील कर दूँ। पहले से मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी स्टिच वगैरह नहीं हुए हैं, अभी अम्मी उसको स्टिच करेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, जब फाइनल लुक आ जाएगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। पहले मैंने लहंगा चोली ख़रीदा, उसके बाद फिर मैंने निकाह के लिए एक ड्रेस लेना था, फॉर्मल ड्रेस लेना था, मैंने वो लिया। देन उसके बाद फिर हम लोग गए, साड़ी बनानी थी। वैसे तो साड़ी का इरादा नहीं हो रहा था, मेरा लॉन्ग शर्ट का इरादा था, लेकिन मेरे मियाँ ने कहा कि नहीं, जब सब साड़ी पहन रहे हैं तो आप भी साड़ी पहनेंगी, और फिर आखिरी शादी है घर की, इसमें भी बनाई लो। फिर मैंने खैर वलीमे के लिए मैंने साड़ी ली, और मेहंदी का ड्रेस मैं पहले ही ले चुकी थी, वो भी जो है नॉर्मल है, इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैंने उसके साथ गरारा वगैरह बनाना है, अभी वो इनकम्प्लीट है, तो वो जब सिल जाएगा तो फिर कंप्लीट लोग उसका फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद जी अगले दिन थी बच्चों की बारी, मतलब जब अपनी शॉपिंग कर ली तो फिर बच्चों की शॉपिंग भी लाजमी बनती है। तो फिर बच्चों को लिया शाम के टाइम पे फ्रेश अप होकर, फिर हम लोग सब चले गए दोबारा से मार्केट। और फिर हम लोगों को बहुत दूर जाना था क्योंकि यहाँ की मार्केट में जो है ना वो वेराइटी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी जो मैं चाह रही थी, तो इसलिए फिर हम गए बोरी बाज़ार और बोल्टन मार्केट। वहाँ पर जाके हम लोगों ने बच्चों की शॉपिंग की, जो कि बहुत
सुकून के साथ और बहुत अच्छी शॉपिंग हम लोग करके आए, जिसमें हम लोगों ने इन लोगों के वलीमे के ड्रेस लिए, शेरवानी ली, अश्मीर के लिए प्रिंस कोट लिया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक साथ ही जो है वो लेकर आ गए। और यहाँ मैं बच्चों की भी, जैसे मैंने बताया मैं अपने छोटे भांजों के भी ड्रेसेस बना रही हूँ, यहाँ मैंने बच्चों की भी ड्रेसेस सिलेक्ट की है। वो भी मेरा ख्याल है इसमें ड्रेस होगा नहीं जो मैंने लिया है, लेकिन मैं सबको एक साथ ही जो है वो दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो जी यहाँ पे जो है शुरुआत हो गई थी बच्चों के ड्रेसेस लेने की, और फिर जो है हम लोग अच्छा खासी जो है हमने यहाँ पे ड्रेसेस ले लिए थे। अभी भी बच्चों के जो नॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस हैं वो रह गए हैं, जैसे कि जीन्स और अपर्स वगैरह, डेनिम ले ली थी लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो सब रह गई हैं, उसके लिए अभी दोबारा चक्कर लगेगा। और अब जैसे कि वेकेशंस चल रही हैं तो वेकेशंस में हम जो है वो अम्मी के भी आए हुए हैं, और वहाँ पे भी जो भी काम है, यानी कि अम्मी के भी जो भी काम है वो भी सब जो है वो फाइनल टचेस पे हैं, कि बस जल्दी से अब शरारा बन रहा है, जैसे घर पे अम्मी शरारा जो है वो सी रही हैं, मेरी अम्मी खुद ही सिलाई करती हैं तो वो सारे काम वो खुद ही कर रही हैं, जैसे पूरी बरी वो खुद ही बना रही हैं। तो अब ऑलमोस्ट सारे ड्रेसेस जो है वो स्टिच हो गए हैं और प्रेस करके उसको हमने पैक भी कर दिया है पूरा। बाकी रही बात अब शरारों की और मैक्सी की, तो वो बस अब आखिरी टच पर हैं, इंशाल्लाह वो भी एक से दो दिन में निमट जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो फारिज है, यानी मेरा छोटा वाला जो बेटा है, ये बनेगा शहवाला, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ पिछले व्लॉग में कि इसको हमने शहवाला बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें ड्रेस मिल गया था और पूरी जो है वो सेटिंग बन गई थी आराम से, पूरा पैकेज यहाँ छोटे दूल्हा का पैकेज यहाँ पे बन गया था, तो हम लोगों ने यहीं से ही फिर उसको बाय कर लिया था। उसके बाद आ जाती है जी सैंडल्स और शूज़ वगैरह की, तो सब जैसे ड्रेसेस अलग अलग हैं तो सबके शूज़ और सैंडल्स भी अलग अलग ही होंगे, तो बड़ी मुश्किल से समझ आए, लेकिन यह है कि आ गए। अभी जो नहीं आए वो अभी बाकी हैं, अब जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट कर ही लेंगे। उसके बाद जी बारी आ जाती है खाना खाने की, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। पिछले एक दिन पहले भी हमने जो है वो बाहर खाना खाया, उसके अगले दिन भी बाहर खाना खाया, क्योंकि मार्केट से वापसी में इतनी कोई थकान जाती है और इतना लेट हो जाता है, जब घर पहुँचो तो गैस नहीं होती, इसलिए बंदा बाहर ही खा के आ जाता है। तो बस वापसी में फिर निहारी रोटी खाई, इससे पहले हलीम रोटी खाई थी, बस यही सब कर कर आके जो है वो घर पहुँचे। और उसके बाद फिर दोबारा से जब घर पहुँचे हैं तो तकरीबन 12-12 बजे का टाइम हो रहा था, और क्योंकि रास्ते में हम लोग चाय पीने भी रुके थे, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है कराची में, बहुत ज़्यादा से मरा हम कराची वालों को तो ज़्यादा लगती है, क्योंकि इतनी सर्दी यहाँ होती नहीं है, और जब होती है तो फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी कुछ जो है वो ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं, ठंडा ठंडा मौसम भी हो गया है, तो वापसी के लिए चाय भी ज़रूरी थी, चाय पीने स्टॉप पर रुके, उसके बाद फिर सीधा घर पर आए और फिर दोबारा से शॉपिंग खोल खोल के बच्चों को वेयर करवा के देखी कि भाई कहीं पर कोई मसला तो नहीं है, तो वहाँ पर एक ड्रेस में मसला आ गया। अब अगेन हम दोबारा वहाँ जाएंगे और फिर जो चेंज होगा वो बाद में दिखाएंगे। चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।